हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे उनका नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का डे जान लेते हैं, वो कौन सी सिटी से हैं और उन्होंने पहले कभी गाड़ी चलाई नहीं चलाई, क्या ड्राइविंग का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? Hello, मेरा नाम डॉली है। और आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से आई हूँ अपनी सिस्टर के वहाँ। ओके, तो इससे पहले कभी आपने गाड़ी चलाई है? फर्स्ट टाइम है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? हाँ बिल्कुल, है ना। ओके, तो और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? मुझे गियर में थोड़ा सा दिक्कत है, सेकंड गियर कंफ्यूजन रहता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, गियर इतना बड़ी चीज़ नहीं है। अपन को क्या है कि अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और ब्रेक टाइम पे लग जाए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। गियर में तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम गियर गलत लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी उस टाइम पे बंद हो जाएगी झटका खा के, तो अपन उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। गियर अपन अपने घर की गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15-20 बार आप लगाओगे खड़ी गाड़ी में तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। तो आइए, आपको हेडलाइट्स ऑन करनी आती है। कार की लाइट्स जो होती है, रात को अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें लाइट कैसे ऑन करते हैं नहीं मालूम है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, जो हमारा इंडिकेटर स्विच होता है ना, उसी में लाइट्स का फंक्शन होता है। ये जो इस स्विचेस को गोल घुमाओ आगे, ट्विस्ट एक बार और, बस ये ऑन हो गई, ठीक है। अब दो बार गोल घुमाओ, बस ये बंद हो गई, ठीक है। तो अभी डीपर देके दिखाओ एक बार और अपने फेस की साइड, नहीं उसको वापस नहीं करना। हाँ, ऐसे ब्लू लाइट जल गई ना मीटर में, मतलब ये डीपर हो गया। ओके, छोड़ दो, फिर दबाओ। नहीं नहीं, उसको वापस नहीं करना है अपने फेस की साइड, अब छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा वो बंद, ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी की जो स्टेयरिंग है, व्हील है, उसको कैसे होल्ड करा जाता है? क्लॉक में 993 बजते हैं वैसे, है ना। ये आपने बेस्ट पोजीशन है क्लॉक स्टेयरिंग व्हील को पकड़ने का, क्योंकि इससे हमारे कंट्रोल्स वगैरह अच्छे रहते हैं, स्टेयरिंग का कमांड अच्छा रहता है। तो इंडिकेटर लेफ्ट के लिए किधर करेंगे स्विच को? ऊपर। और राइट के लिए? नीचे। डाउन, ऑफ, बीच में, सेंटर में ऑफ हो जाएगा और चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, पूरा अनुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, हमारी क्या है, कि जजमेंट होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस, लोगों को गाड़ी चलानी आ रही है लेकिन ट्रैफिक सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं। लेफ्ट हैंड कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, लेफ्ट नज़दीक से, राइट लंबा, है ना। ओके, परफेक्ट है। दूसरी चीज़, गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेने की, गाड़ी के नीचे कोई बच्चा वगैरह तो नहीं है आसपास, टायर के आसपास तो नहीं खेल रहा है, कोई डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा है, गाड़ी के आगे पत्थर वगैरह तो नहीं है, बम्पर के टायर प्रेशर तो पूरा है, चारों टायरों में हवा तो है या नहीं है, ये चीज़ तो बेसिकली हमें चेक कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ब्रेकिंग जो करनी है वो हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, सॉफ्टली ब्रेकिंग करनी है। अगर पीछे से कोई आ रहा है नहीं तो वो हमें हिट कर देगा, अगर हम हार्डली ब्रेकिंग करेंगे, अचानक से नहीं लगाना है, स्लोली स्लोली है ना। ओके, ठीक है। नीचे तीन पैडल होते ही हैं अपने, ABC है ना, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है, उनके यूजेज आपको मालूम ही है। तो चलिए, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ, गुड। हाँ, थर्ड निकालो दोबारा, गुड, परफेक्ट है। अभी हैंड ब्रेक ऑलरेडी डाउन है और पीछे साइड व्यू मिरर में देखो, चलने से पहले उधर कांच में कोई नहीं है, चल सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ो और मूव करो हल्का हल्का, सही है। तो गाड़ी को रनअप लेने से पहले आपको देखना है मिरर्स वगैरह में भी, सही है। तो दोस्तों, राइट वाली जो लेन होती है वो फास्ट लेन होती है और लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। जो तेज़ चलेंगे वो राइट साइड में ड्राइव करेंगे, हम स्लो चल रहे हैं। हाँ, इधर लेफ्ट ही रखो, पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं। अभी यहाँ से आगे सीधा चलने दो, अभी अभी रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा लो, परफेक्ट है। चलिए, हमें साइन बोर्ड्स वगैरह भी देखते हुए चलना है। जैसे आप देख सकते हो, ये स्पीड ब्रेकर का साइन बोर्ड आ रहा है येलो कलर में, तो ये बता रहा है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, क्लच दबा लो। हाँ, ऐसे में क्या है, डीपर देना चाहिए हमें, जो भी रॉन्ग साइड आता है उसको हमें यूज डीपर। चलो, क्लच हटाओ, हमें डीपर टू टाइम्स के यूज में लेना है, एक हटवाने के लिए और एक रुकवाने के लिए, बस काफ़ी। यहाँ सीधी रखो, इधर देख के करा करो, लेफ्ट साइड भी मिरर में भी, बाइक है ना। चलो, जब भी अगर राइट ले रहे हो तो राइट साइड भी मिरर में देखना है, लेफ्ट ले रहे हो तो लेफ्ट वाले मिरर में देखा है, बिगर देखे नहीं करना है अपन को। यू टर्न लेंगे अपन आगे से, तो राइट इंडिकेटर ऑन करो। इंडिकेटर हमें 100 मीटर पहले ऑन कर देना है, सडनली नहीं देना है। पीछे देखो कोई नहीं है, दूर है सब, लेन चेंज कर लो, क्लच भी दबा लो, पॉम भी ब्रेक पे ले लो,
गियर ऑलरेडी सेकंड है तो फर्स्ट गियर लगा लो। एक काम करो, कोने में इधर लेफ्ट करके और आगे, परफेक्ट है। पूरी टर्न करो, जब डिवाइडर का कॉर्नर आपके फ्रंट डोर को क्रॉस कर ले तो क्लच भी रिलीज करो, तो हमें पूरी टर्न कर लेनी है। स्टीयरिंग अब सीधी करो, हल्की हल्की और करो, और करो, परफेक्ट है, और करिए। चलिए अब पीछे मिरर में देखो, पीछे कांचों में ऑल क्लियर। अब मूव करो, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ, लेफ्ट करके पीछे, गुड। चलिए तो आगे स्पीड ब्रेकर है, साइड से लेंगे, पैदल आदमी आ रहा है ना, क्लच दबा लो, पूरा पाम ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल। हाँ, हॉर्न भी दे दो एक बार, ये एक्टिवा ना चल पड़े। थोड़ा लेफ्ट करो और अब राइट करो उधर, गुड। अब सीधी कर लो वापस, पीछे देखो मिरर में, टू व्हीलर है, आप चलते रहो अपने साइड साइड में, वो निकल जाएंगे, उनके लिए काफ़ी स्पेस है उधर। एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड गियर लगाओ, फ्रेंड्स। गाड़ी चलाते वक्त हमें सबको अंधा मान के चलना है, किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है कि वो देख रहा है वो रोक लेगा। अपने ऊपर लेके चलना है, अगले के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अभी आगे साइन बोर्ड आ रहा है स्पीड ब्रेकर का, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो। चौराहा है, क्रॉस रोड का क्या नियम है, पहले राइट देखना है फिर लेफ्ट। राइट रखो, थोड़ी स्लो करो, तो चौराहे पे पहले उधर राइट देख लो, फिर इधर लेफ्ट देख लो, सामने भी देखो, हॉर्न दो, चलो मूव करो। अभी लेफ्ट में गाड़ी है, राइट में रखो। हमें कभी भी लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है, डू नॉट। हाँ, इसने गलत करा है, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, अगर करते भी है तो हॉर्न देके करना है। स्लो करो, अभी गियर भी चेंज करो थर्ड से सेकंड। चलिए क्लच हटा के, अभी वापस स्पीड ब्रेकर आ रहा है, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक्स पे ले लो, स्लो करो। हाँ, और स्लो करो, और स्लो करो। जब रियर व्हील क्रॉस हो जाएंगे ब्रेकर पे से तो हम क्लच को छोड़ेंगे। अभी छोड़ो क्लच, अब मूव करो, देख लेंगे। हाँ, टर्न कर रही है आराम से, फिर स्पीड ब्रेकर है, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे स्लो कर लो। जैसा कि आप देख सकते हो, दिख रहा है साइन बोर्ड स्पीड ब्रेकर का, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। चलिए क्लच हटा के मूव करो, फिर स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड है, आप देख सकते हो कार के आगे लिखा हुआ है 60, मतलब 60 से तेज नहीं चलानी है गाड़ी, है ना। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, ऊपर पाम ब्रेक पे नहीं लिया, बिल्कुल। हाँ, मिरर में चेक कर लो, लेफ्ट साइड में मिरर में ऑल क्लियर। लेफ्ट टर्न हमें एटलीस्ट टू व्हीलर जितना स्पेस छोड़ के, थोड़ा और स्लो करो, बम्पी रोड है, अब ब्रेक छोड़ दो, मोड़ो उधर देखो, राइट में क्लच भी छोड़ो, देखो देखो आराम से, है ना। आपने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल चिपका के ले लिए सटा के, समझ रहे हो, पत्थर वगैरह भी थे साइड में। जब भी हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमें टू व्हीलर जितना तो स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। अभी राइट वाली होती है फास्ट लेन, लेफ्ट वाली होती है स्लो लेन, तो हमें स्लो में ड्राइव करना है। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगाओ, रेस छोड़ो, रेस छोड़ो, रेस नहीं छोड़ी। हाँ चलो, तो दोस्तों जब भी हम गियर चेंज कर रहे हैं तो हम एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है, क्लच का यूज ले रहे हैं तो, और अगर एक्सीलेटर का यूज ले रहे हैं तो क्लच का कोई रोल नहीं है, तो दोनों अपोजिट रहेंगे। क्लच दबा लिया तो पाम ब्रेक पेडल पे आ जाना चाहिए, तो नया स्टूडेंट यही गलती करता है, क्लच भी दबा रहा है ब्रेक भी लगा रहा है, तो ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, धीरे और स्लो करो। हाँ, इसको जाने दो कार को, और स्लो करो, बस छोड़ो ब्रेक्स, चलो अभी क्लच हटा के। उसी लेन में इधर देखो, क्या है, ऑटो है ना, पोजीशन नहीं छोड़नी है, देख के नहीं छोड़ रहे आप लेन, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमारा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जो है वो ये कहता है, लेन ड्राइविंग करिए और सुरक्षित चलिए। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल्स पे ले लो,
कट है क्रॉसिंग पे, हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे पाव ब्रेक पेडल पे लेना है और हॉर्न देना है, हॉर्न भी दो। सही है, दोनों तरफ कोई भी नहीं, ऑल क्लियर है, चल सकते हैं। चलिए बड़ा ही है, अभी पीछे से हॉर्न दे रही है गाड़ी, साइड में आ जाओ लेफ्ट में देख के। हाँ सही है, चलते रहिए। हाँ आगे चल के अपन स्टॉप करेंगे, रेड लाइट है, रेड लाइट्स वगैरह को हमें फॉलो करना है, साइन बोर्ड्स वगैरह देखने हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, दुर्घटना से देर भली। हॉर्न दो साइड वाली गाड़ी को। सही है, हाँ सीधा चलेंगे अपन तो, सेम पोजीशन पर स्टॉप कर लेंगे जहाँ पे है वहीं। हाँ इसी के पीछे रोक लो, बलिनों के पीछे। हाँ बस गियर फर्स्ट लगा लो। हाँ गुड, तो दोस्तों अगली गाड़ी से और हमारी गाड़ी में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, अगली गाड़ी के व्हील्स दिखने चाहिए हमें, तो इतना डिस्टेंस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, चलिए।